2024 लोकसभा चुनाव की काउंटिंग के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर सीएम नीतीश को लेकर तरह तरह के मीम शेयर किए जा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार के दल बदल से परेशान उनके साथ काम करने वाले कुछ नेता उन्हें पलटू कुमार, कुर्सी कुमार जैसी संज्ञाएं तक दे चुके हैं। नीतीश कुमार हर बार एक नए भरोसे के साथ नए दल का साथ देते हैं और फिर दावा करते हैं कि मर जाएंगे लेकिन उधर नहीं जाएंगे, अब हमेशा के लिए इधर आ गए, लेकिन वो अपनी बातों को खुद ही गलत साबित करते रहे हैं। समय समय पर वो अपने गठबंधन के साथियों को बदलते रहे हैं और सत्ता में बने रहे हैं। नीतीश कुमार कभी एनडीए में शामिल होते हैं तो कभी महागठबंधन की नींव रखते हैं, तो कभी इंडिया गठबंधन की नींव रखते हैं और फिर इनसे अलग भी हो जाते हैं। नीतीश कुमार के पलटने का सिलसिला अब पुराना हो चला है। नीतीश कुमार ने 1998 से लेकर साल 2013 तक बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के साथ रहे हैं, लेकिन साल 2014 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जब नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाया तो उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होने के बाद आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर बिहार के 2015 विधानसभा चुनाव लड़े थे। नीतीश कुमार लालू यादव की जोड़ी ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया तक कर दिया था, लेकिन नीतीश ने साल 2017 में एक बार फिर से सियासी पलटी मारी और आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन को तोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर बिहार में सरकार बना ली। नीतीश ने 2020 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन बिहार में दो साल सरकार चलाने के बाद साल 2022 के आखिरी महीने में उन्होंने फिर से सियासी पलटी मारी। नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस, राजद और लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना ली। उन्होंने साल 2023 में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की भी नींव रखी, लेकिन फिर जनवरी 2024 में उन्होंने एक बार फिर पलटी मारी और वो एनडीए के साथ आ गए। अब एनडीए के साथ ही उनकी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव लड़ी है। इस चुनाव में जदयू 12 सीट जीतते दिख रही है। इसी बीच नीतीश कुमार के पलटी मारने की भी खबरें चलने लगी। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। एनडीए गठबंधन रुझानों में लगातार 290 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए, जबकि इंडिया गठबंधन का आंकड़ा 230 से 240 के बीच झूल रहा है। इस चुनाव में बीजेपी को करीब 240 सीटें मिलती दिख रही हैं। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे कि अगर एनडीए के कुछ घटक दल बीजेपी को छोड़कर इंडिया के साथ आ जाते हैं तो मामला पलट सकता है। हो सकता है कि इंडिया बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाए। अब नीतीश कुमार पलटेंगे या नहीं, ये तो समय के साथ पता चल ही जाएगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार में जदयू के अच्छे प्रदर्शन ने एक बार फिर से नीतीश कुमार की अहमियत बढ़ा दी है। एक तरफ तो नतीजों से पहले बीजेपी के साथ जाना नीतीश कुमार की कमजोरी मानी जा रही थी, उनका बॉडी लैंग्वेज देखकर भी ऐसा ही लगने लगा था, जब वो मन से बार बार ये सफाई दे रहे थे कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर निश्चित तौर पर बढ़ी होगी। मौजूदा चुनाव में जदयू के प्रदर्शन की वजह से ही विपक्ष भी उन पर डोरे डाल रही है। ये निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के अच्छे दिनों के संकेत हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स नाउ द भारत को सब्सक्राइब कर लें।